केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए बजट को बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने निराशाजनक करार दिया है और बजट को किसान, युवा और आम लोगों के खिलाफ करार दिया है। साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि को नए कृषि कानून के बाद किसानों के लिए दूसरी मार करार दिया है। पावर्ड बाय मंदी किचन, इंडिया की बिगेस्ट मल्टी प्रीमियम ब्रांड ऑफ फूड डिलीवरी। श्री इवेंट, अ कंप्लीट इवेंट प्लानर। बजट पूरा जनता उदासीन बजट है। आप देखिए, आप किसानों की बात करते हैं, दुगनी तिगनी आय करने की बात करते हैं, युवकों को रोजगार देने की बात करते हैं। आप बजट को बड़ा गौर से देखिए। मैंने पहले भी कहा था कि डीजल पेट्रोल का कीमत इनको घटाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का कीमत जब यूपीए सरकार की, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें $120 प्रति बैरल से भी अधिक था और आज $51 प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमत है। फिर भी उन्होंने ₹4 डीजल पे और ₹2.5 पेट्रोल पे कीमत बढ़ाया। बढ़ाने से क्या हुआ, आपकी ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ेगी, देश में महंगाई बढ़ेगी और किचन में जो माँ बहने को जो कॉस्टिंग आएगी उसमें भी वृद्धि होगी। आपको बता दें दूसरी बात कि युवकों को रोजगार की बात उन्होंने की थी 2014 में, 2.5 लाख करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष, अभी जो बिहार में चुनाव हुआ 19 लाख नौकरियों देने की बात, कोई कल कारखाना खोलने की बात नहीं हुई। मैं आपको बता दूं, न तो युवकों को रोजगार मिलने जा रहा है इस बजट से, न यहाँ महंगाई घटने जा रही है और किसानों को जो आप डीजल का रेट ₹4 बढ़ाए हैं, किसानों की लागत में वृद्धि होगी और किसान को सही कीमत नहीं मिलेगा, इससे देश की अर्थव्यवस्था और भी चरमराएगी। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ। ऐसे ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।